बच्चों, हम सिविक्स में अपना चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, रूलर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक विलेज में एक झगड़ा हो गया था, किसके बीच में? मोहन और रघु के बीच में। ठीक है, झगड़े का कारण क्या था कि रघु ने क्या किया था, जो उन लोग मतलब उन दोनों के खेत बिल्कुल पास पास थे, तो उसने क्या किया, और उन दोनों के खेत के बीच में एक बाउंड्री थी जिसको बंड कहते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने कुछ बाउंड्री क्या कर दी, शिफ्ट कर दी, जिससे क्या हुआ, मोहन का खेत छोटा हो गया और रघु का खेत क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो मोहन ने जब ये देखा तो वो बहुत गुस्सा हुआ, है ना, बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा डरा हुआ भी था, क्योंकि उसे पता था कि जो रघु है उसके कई सारे खेत हैं, और रघु के जो चाचा जी हैं वो कौन है, सरपंच है, कौन है, सरपंच है। तो लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके वह उसके घर गया, लेकिन उसने रघु ने क्या किया, अपने हेल्पर्स के साथ उसकी बहुत पिटाई की, उसके साथ बहुत गलत किया। अब सारे नेबर्स ने मोहन को जाके बचाया और मोहन से कहा कि हमें इसके बारे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवानी चाहिए। तो पहले तो सब लोग मना कर रहे थे कि रिपोर्ट नहीं करवानी चाहिए, इससे क्या होगा, बहुत सारे पैसे भी खर्च होंगे साथ के साथ, और ऐसा भी नहीं है कि कोई रिजल्ट ही निकल कर आए। बट फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और एक केस फाइल करेंगे, एक रिपोर्ट लिखवाएंगे इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे। अब हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में हुआ क्या। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, station house officer or SHO, and told him what had happened. देखिए, तो जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे तो मोहन किसके पास गया, एक आदमी के पास गया, जो कौन था, SHO, SHO means station house officer, उसके पास गया और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उसने उसको बताया। He also said that he wanted to give the complaint in writing. The SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints. मतलब क्या है कि उसने ये कहा कि उसे कंप्लेन रिटन में चाहिए, आप मेरी कंप्लेन सुन लो और बस इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले लो, मुझे ऐसा नहीं है, मेरी कंप्लेन क्या होनी चाहिए, रिटन में होनी चाहिए। लेकिन जो SHO थे उन्होंने बहुत रूडली कहा, उससे कहा कि मुझे इन छोटी छोटी कंप्लेंट्स के लिए परेशान मत करो, मैं इन छोटी छोटी कंप्लेंट्स में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। एंड then investigating them, और मतलब यह है कि मैं इन छोटी छोटी कंप्लेंट्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इनको लिखना नहीं चाहता और ना ही इनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। मोहन शोड हिम हिज इंजरीज बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम। मोहन ने उसे अपनी जो भी उसके इंजरी हुई थी, घाव वगैरह हुए थे, चोट लगी थी, उन चोटों को उसे दिखाया, SHO को दिखाया, स्टेशन हाउस ऑफिसर को, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो वॉट टू डू। अब मोहन क्या हो गया था, मतलब पजल हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीन रिकॉर्डेड। अब वो इस बात के लिए श्योर नहीं था कि उसकी कंप्लेन रिकॉर्ड क्यों नहीं की जा रही, उसकी कंप्लेन लिखी क्यों नहीं जा रही है। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इन टू द ऑफिस। अब वो गया और उसने अपने जो नेबर्स लेकर आया था, वो अपने साथ जो उसके साथ पड़ोसी आए थे, उनको अंदर ऑफिस में लेकर आया। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ दैम, एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम He would have been injured very seriously. मतलब उन्होंने मतलब बहुत ज़ोर से strongly और क्या किया, आर्ग्यू किया उस ऑफिसर के साथ कि मोहन को बहुत बुरी तरीके से हमारे सामने मारा गया है और अगर हम जाकर उसे नहीं बचाते तो उसको और सीरियस चोटें लग जाती, बहुत गहरी गहरी चोटें और उसको लग सकती थी। They insisted that the case be registered. Finally the officer agreed. अब उन्होंने मतलब इंसिस्ट किया कि केस को रजिस्टर किया जाना चाहिए क्योंकि ये कोई छोटी कंप्लेंट नहीं है।
उसको मारा गया है और अगर हम उसको नहीं बचाते तो ऐसा हो सकता है बहुत सीरियसली उसको चोट लग जाती। फाइनली जो ऑफिसर था वो एग्री हो गया, उसने कहा ठीक है मैं आपकी रिपोर्ट लिख लेता हूँ। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कॉन्स्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। मतलब उन्होंने मोहन से कहा कि तुम इस कंप्लेंट को लिख दो और उन लोगों को ये भी बताया कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कब से स्टार्ट होगी, कल से स्टार्ट होगी, अगले दिन से स्टार्ट होगी। ठीक है अब आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। मतलब जो लैंड है कि किसके हिस्से में कितनी ज़मीन है उसको, उसका पूरा एक रिकॉर्ड होता है तो उसको मेंटेन कौन करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग हीटेडली वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड्स हैड बीन शिफ्टेड। देखिए क्या हुआ कि मोहन और रघु के बीच में बहुत बुरी तरीके से आर्ग्यू हुई थी, है ना, किसको लेकर उनकी बाउंड्री शिफ्ट की गई है उसको लेकर बहुत बड़ी आर्ग्यू हुई थी। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? क्या कोई एक ऐसा तरीका नहीं है कि वो इस झगड़े को बहुत शांति तरीके से निपटा सकें? Are the records that show who owns what land in the village? Let's find out how this is done. क्या मतलब क्या ऐसे कुछ records है जो ये बता सकें कि किसके हिस्से में कितनी लैंड है, कौन कितनी लैंड का मालिक है? तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। देखो लैंड को नापना और लैंड रिकॉर्ड रखना कि किसके हिस्से में कितनी लैंड है, किस कितनी ज़मीन है, ये काम किसका होता है, ये काम होता है पटवारी का, PATWARI। बहुत मेन वर्क होता है किसका, पटवारी का यही काम होता है कि लैंड को मेज़र, जितने भी लोग रहते हैं विलेज में और जितनी ज़मीन है, जिस जिसकी वो ज़मीन है उसका अपने पास पूरा रिकॉर्ड रखना, ठीक है, ताकि अगर किसी के बीच में कभी लड़ाई हो तो उस रिकॉर्ड के थ्रू उस झगड़े को ख़त्म किया जा सके। द पटवारी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। क्या होता है, क्या है कि जो पटवारी है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर अभी इसको हम पटवारी कह रहे हैं, कुछ विलेजेस में एनी ऑफिसर्स को क्या कहा जाता है, लेखपाल कहा जाता है, किसी में कनुंगो कहा जाता है, या फिर किसी में कर्मचारी कहा जाता है, या किसी स्टेट में विलेज ऑफिसर कहा जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। तो इस विलेज में, हरदास विलेज में, सॉरी हरदास नहीं, इस विलेज में क्या बोला जाता है उस ऑफिसर को, पटवारी। Each patwari is responsible for a group of villages. The patwari maintains and updates the records of the village. जो patwari का काम क्या होता है, वो यही काम होता है कि वो maintain करे और update करके रखे village के जितने भी records हैं उनको maintain करके रखे, ठीक है, और update करके रखे। The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by the patwari. मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगी कुछ वहाँ पर रिकॉर्ड्स, कुछ पेजेस, मतलब कुछ एक पेज है रजिस्टर का, एक पेज है जिसमें पूरा डिटेलिंग दी गई है, एक मैप भी दिखाया गया है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि पटवारी किस तरीके से रिकॉर्ड्स को अपने पास रखते हैं। द पटवारी यूजली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज़ यूज्ड। देखो जो पटवारी का काम क्या होता है कि वो यही होता है कि जो भी एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उनको मेज़रिंग करने का, मतलब उनके पास तरीका होता है उनको मेज़र करने का, तो कुछ प्लेसेस पर एक लॉन्ग चेन यूज़ की जाती है के लिए। इन द अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन्स एंड रघुस फील्ड एंड कंपेयर्ड दैम विद द मेज़रमेंट ऑन द मैप। देखो तो हम जो भी इसमें दिखाया है कि जो पटवारी ने क्या किया है, मोहन और रघु के लैंड को मेज़र किया है और उसको किससे कंपेयर किया है, जो उसके पास मैप था कि हाँ इनके पास इतनी इतनी ज़मीन है। अगर कुछ भी उसमें चेंजेस होते हैं तो इससे पता चल जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि बाउंड्री
चेंज या बाउंड्री को शिफ्ट किया गया है। ठीक है, द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। देखो, पटवारी इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो लैंड पे, जो उस फार्मर की लैंड है, उसका रेवेन्यू जो भी है, उनसे कुछ भी कलेक्ट करना है, उसका काम भी वही, वो काम भी कौन करते हैं, पटवारी करते हैं। और उस लैंड पे कौन सी खेती की जा रही है, कौन सी फसल उगाई जा रही है, इस बारे में भी जानकारी वो गवर्नमेंट को देते हैं, सरकार को देते हैं। दिस इज़ डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर कैप्ट एंड दिस इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस। तो ये वो कहाँ से देते हैं, जो वो रिकॉर्ड्स अपने पास रखते हैं, इसलिए ये पटवारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट रखे। ठीक है, फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और सम वन में डिग अ वेल समवेयर। देखो क्या होते हैं, फार्मर्स क्रॉप्स को बदल भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत में जो क्रॉप फसल उगा रहे थे वो अभी भी वही फसल उगा रहे हैं, तो फसल में चेंजेस आते हैं कि पहले वो दूसरी फसल उगा रहे थे, अब वो दूसरी फसल उगा रहे हैं। तो पटवारी का एक काम होता है कि वो सारी चीज़ को अपडेट रखें। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फार्म अपने फील्ड के पास ही एक कुआ खोद लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी किसके पास अपडेट होनी चाहिए, पटवारी के पास वो सारी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें किसको देनी होती हैं, गवर्नमेंट को देनी होती हैं, है ना। देखिए तो आप इसमें देख सकते हैं इस तरीके से वो क्या करते हैं, पूरा मेंटेन रिकॉर्ड रखते हैं। इसमें लिखा हुआ है मोहन किसके बेटे हैं वो, और विलेज का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, वो कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं, उनका कितना एरिया है उनके पास, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। ऐसी रघु के बारे में लिखी हुई है, यहाँ पर एक मैप भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो तो बाउंड्री को शो कर रही हैं, ये क्या है, कुएँ हैं, ये जो है ये ग्रास लैंड है। ठीक है, ये कच्चा रोड है, ये क्या है, कच्चा रोड, ये पक्का रोड, और ये कुछ ट्रीज़ हैं। तो इस तरीके से वो उनके पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। ठीक है, ये देखिए, एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज़ द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब जैसे पटवारी का वर्क क्या होता है कि वो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखे, अपडेट रखे, और उसको किसको दे, गवर्नमेंट को दे। तो वो किसको देती है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसको। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। अब इस डिपार्टमेंट में जो सीनियर वर्क होते हैं, ये मतलब क्या है कि कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज़ द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मतलब गवर्नमेंट में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उस सबका ये वर्क होता है। और इस डिपार्टमेंट के जो सीनियर पीपल होते हैं, क्या होते हैं, जो सीनियर पीपल होते हैं वो किसको सुपरवाइज करते हैं, पटवारी के काम को, कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं। उसको सुपरवाइज करने का काम क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर पीपल का। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही। तो आज हमने देखा पहले वर्क ऑफ आ पुलिस स्टेशन, फिर हमने देखा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो अभी इतना ही, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ, इसीलिए ही पढ़ा रही हूँ कि आप जितना पढ़ा रही हूँ उतना अच्छे से समझें। ठीक है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करो और समझा करो, फिर एक बार अपने बुक से चैप्टर पूरा रीड किया करो। ओके, चलिए, तो आज आपको इतना चैप्टर अच्छे से रीड करना है, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का चैप्टर पढ़ाऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।